नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश के अंदर तमाम सुख सुविधाओं से लैस जिसे मध्य प्रदेश के लोग मिनी बॉम्बे भी बोलते हैं, उस शहर का नाम है इंदौर। इंदौर में इस समय अप्रवासी भारतीय लोगों का सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन को संबोधित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। जैसा कि लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के भाषण का कोई मुकाबला है ही नहीं, या उनकी तरह कोई दूसरा व्यक्ति समसामयिक रूप से भाषण नहीं दे सकता। हमने भी तमाम नेताओं को सुना है, लेकिन शहर से, जनता से, धार्मिक स्थल से, पर्यटन से, जाति से, धर्म से, तमाम चीजों को देश के प्रधानमंत्री अपने भाषण में समाहित कर देते हैं। इंदौर में जब उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया, उस संबोधन को सुनकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता है। इंदौर को लेकर तमाम संबोधन हमने भी सुने हैं, लेकिन इंदौर को लेकर ऐसा संबोधन हमें भी पहली बार सुनने को मिला। सुनिए देश के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत कैसे की और इंदौर के बारे में क्या कहा। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वतंत्रता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए अपन इंदौर, अपन का इंदौर, अपन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। इंदौरी नमकीन का स्वाद, यहाँ के लोगों के यहाँ पर जो पोहे का पैशन है, साबूदाने की खिचड़ी, कचौरी, समोसे, सिकंजी, जिसने भी इसे देखा उसके मुंह का पानी नहीं रुका। और जिसने इन्हें चखा उसने कहीं और मुड़कर नहीं देखा। इसी तरह 56 दुकान तो प्रसिद्ध है ही, सराफा भी महत्वपूर्ण है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो हमारे विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।